एवरी एवरीवन आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे यार मैं भी बहुत अच्छा हूँ यार 2024 में इतने सारे चेंजेस हुए इतना सब कुछ हुआ ठीक है अभी रिसेंट भी चेंजेस होते रह रहे हैं तो बैठे बैठे ना मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार अगर मैं स्टूडेंट होता इंडिया में ग्रेट ट्वेल्थ के बाद ठीक है तो मेरे दिमाग में आता ना एक थाट कि यार इतना सब कुछ हो रहा है कैनेडियन गवर्नमेंट इतने सारे चेंजेस कर रही है दिन प्रतिदिन पता नहीं चलता कि कब कौन सा नया चेंज आ जाए जा, कौन सी स्ट्रिक्टनेस कहाँ बढ़ जाए कहाँ लीनियंट हो जाए कुछ नहीं समझ आ रहा फिर तो अगर मैं स्टूडेंट होता एक और मैं सोच रहा होता कि यार शुड आई गो टू कैनेडा आफ्टर ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन तो एज अ स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव कि यार क्या करना चाहिए तो मेरे को दिमाग में आ रहा था कि यार इस पे एक वीडियो बनाते हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे आ चुके हैं या जितने भी स्टूडेंट्स अभी बैक होम है वो सोच रहे हैं कि यार कनाडा जाना चाहिए ठीक है तो उनका एक डाउट होता है ना तो बस उस डाउट को क्लियर करने के लिए कि प्रोज एंड कॉन्स को थोड़ा वे कर लेते हैं पहले ही बता दूं वीडियो डीमोटिवेटिंग नहीं है वीडियो एक तरह से फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रही है कि कनाडा कैसा है यहाँ आके कि आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कौन सी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए ठीक है कौन सी चीज़ें आप यहाँ के सीखोगे तो वो सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग एक अच्छा डिसीजन बना सकें कि या ट्वेल्थ के बाद आना सही है या फिर ग्रेजुएशन के बाद तो बिना किसी देरी के वीडियो में जंप करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम पे सही होगा हाँ तो यार दोस्तों अगर मैंने आज के टाइम पे क्लास ट्वेल्थ अपनी पास करी है इंडिया में और मैं सोच रहा हूं कि यार मेरे को कनाडा जाना चाहिए तो सबसे पहले तो यार आपने क्लास ट्वेल्थ में कौन सी फील्ड ली है वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कनाडा सीधा सीधा कह रहा है कि यार हम सिर्फ कुछ परस्पेक्टिव फील्ड्स को ही इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गया ट्रेड सेक्टर हो गया इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया कि जहाँ पर हमें टैलेंटेड इमिग्रेंट्स मिल सकें जो कि कैनेडा की जो ग्रोथ है उसमें हिस्सा बन सकें ठीक है तो एज अ ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट तो मैं सोचता यार मेरा जो मैंने फील्ड करी है से रिलेटेड मेरे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा सा कोर्स मिल रहा है ताकि वो मेरे को आगे जाके भी हेल्प करे क्योंकि एज अ स्टूडेंट यार आपने ये नहीं सोचना कि मैंने बस एक अच्छा सा कॉलेज ढूंढना और दो तीन साल या चार साल अपनी पढ़ाई करनी है नहीं हमने ये सोचना होता कि यार दो साल हम पढ़ाई करके मैं एक नॉर्मल डिप्लोमा की बात करता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें आते हैं कि हम दो साल का एक डिप्लोमा करते हैं उसके बाद हम तीन साल के जो वर्क परमिट पे हैं जो कि आज के टाइम पर गारंटीड ही नहीं है कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी पर डिपेंड करेगा ठीक है तो हमें ये चीज़ भी बहुत सोचनी चाहिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत क्रूशल है कि पहले आप हाँ ना आगे का पांच साल का सोचकर चलो कि स्टडी परमिट के बाद वर्क परमिट और उसके बाद जो पी है क्योंकि मेन एम हमारा पी होता है कि यहाँ आके हम सेटल हो सके अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंजॉय कर सकें तो एज अ स्टूडेंट अगर आप ट्वेल्थ के बाद देख रहे तो आपको बहुत बड़ी पिक्चर दिमाग में रखनी पड़ेगी सिर्फ ये नहीं कि स्टडी का टाइम मेरे को सोचना है कि कॉलेज अच्छा मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए नहीं आपको ये सोचना है कि वर्क परमिट पे आने के बाद उस कॉलेज से की गई पढ़ाई मेरे को कितना हेल्प करेगी ठीक है अगर आपको दिख रहा है कि यार मेरे को एक अच्छे कोर्स में एक अच्छे कॉलेज में जगह मिल रही है जो कि कैनेडा में इन डिमांड है ठीक है और वो आगे जाकर मेरे को एक अच्छी सी ट्रेड वाली जॉब दे देगा जो कि मेरी पी बहुत ईजी कर देगी या फिर मेरे जो पॉइंट सिस्टम है वो बहुत इजीली गेन हो जाएंगे तो बिल्कुल अपना जो कदम है करूंगा। तो यार टू बी ऑनेस्ट बिटर ट्रुथ है आज के टाइम पे अगर आप ये मेंटेलिटी के साथ यहां आ रहे हो ना तो कनेडियन गवर्नमेंट आपको फिगर आउट करने का टाइम तक नहीं देगी वो तो ये कहेगी कि ठीक है होगी पढ़ाई चलो वापस ठीक है तो ये चीज आपको बिल्कुल सोचनी है कि ट्वेल्थ के बाद मेरे को आगे जाके उसका फायदा होगा पीआर में हेल्प कर सकती है वो चीज जल्दी अटेन करने में तो बिल्कुल आओ लेकिन अगर मैं पर्सनली होता ना और मैं तो ये सारी चीज़ें देखकर पर मैं हमेशा ही सोचता कि यार कोई नहीं इंडिया में मैं अपनी बैचलर्स करता हूँ और कनाडा जाके ना कि अपनी मास्टर्स करूंगा क्योंकि यार कैनेडियन गवर्नमेंट जो है ना वो मास्टर्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है इतनी लीनियंसी दे रही है कि यार तुम मास्टर्स करने आओ तुम्हें सब कुछ बहुत ईजिली मिलेगा तुम्हें जॉब भी मिलेगी क्योंकि तुम्हारा एजुकेशन लेवल भी ऊपर है तो पर्सनली मैं तो बैचलर्स इंडिया करता और उसके बाद मास्टर्स के लिए कैनेडा आता ट्वेल्थ के बाद तो आज के टाइम पे मैं बिल्कुल भी वो स्टेप ना लेता अनलेस एंड अंडेल्थ मैं पूरी रिसर्च करके अपने आप को पूरा सेफ कर रख पाता ठीक है मेरी पी हो ही जाएगी आगे में जो मर्जी ही देगा। तो, यार ये तो बात रही स्टडी सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ परमिट तक का नहीं सोचना दूसरी चीज होती है यार एक अच्छा चूज करना क्योंकि अगर आपने कॉलेज ही अच्छा चूज नहीं करा ना तो यार जो आपका स्टूडेंट लाइफ में वर्क लाइफ एंड जो स्टडी बैलेंस होता है ना वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि यार कॉलेज अगर आपको पाँच दिन जाना है ठीक है ना फिर आपके पास काम करने की हिम्मत नहीं होगी ठीक है तो आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करोगे कॉलेज की असाइनमेंट्स आया करेंगी ठीक है तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ता है कुछ कॉलेजेस तो यार आपको यूनिवर्सिटीज आपको ब्रेक भी नहीं देती हैं कि जैसे ही सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर खत्म हुआ थर्ड सेमेस्टर शुरू कर देंगे तो उसकी भी फीस पे करो तो वो प्रेशर ऑन प्रेशर भी माइंड पे आएगा स्टूडेंट के कि यार कैसे करना है वो सारा तो कॉलेज अपनी जो रिसर्च है वो एकदम हंड्रेड नहीं टू हंड्रेड परसेंट स्ट्रांग रखो ताकि आपको आगे यहाँ आके कोई भी दिक्कत ना हो इसी के बाद यार जो वर्क लाइफ बैलेंस मैंने बोला आज के टाइम पे यार वर्क मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई है एक तरह से क्योंकि यार यहाँ पे आके ना पहले ही बता दूँ कि जो एक मेंटेलिटी होती है ना वो आपको प्रिपेयर रहना कि यार आई एम ऑल अलोन इन कैनेडा ठीक है मेरे को सारा कुछ खुद देखना है ठीक है जिसके रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं तो उनको एक सपोर्ट हो जाता है लेकिन उसके अलावा ना यहाँ पे यार सारी अपनी लाइफ में बिजी हैं सब ना घंटों पे काम करते हैं जी, क्योंकि हमें पता है बाय यार हर किसी की लाइफ ना डिवाइडेड है कि यार मेरे को आठ घंटे काम करना है अगर मेरे पास वहीकल है तो तो बहुत अच्छी बात है मेरा आने जाने का टाइम बचेगा लेकिन अगर व्हीकल नहीं है स्टूडेंट्स के पास मोस्टली वहीकल नहीं होते तो यार एक घंटा दो घंटे ट्रांजिट में आने का और जाने का अलग से तो यार उनका एक दिन तो पूरा ऐसे ही निकल जाता है अगर उन्होंने काम पे जाना है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि यार अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना मेरे को उसे मेंटेन करना पड़ेगा कैसे करना वो टोटली totally आपके ऊपर होता है हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है ठीक है ना प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है तो वो आपके ऊपर है आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और वर्क की बात रही यार यहाँ पे किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको सबसे बनाकर रखनी है क्योंकि कोई कब काम आ जाए कोई कहाँ आपकी रेफरेंस लगा दे क्योंकि कनाडा में आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को अगर काम मिल रहा है तो यार वो तो दो तरीके से मिल रहा है या तो आप किसी लाइसेंसिंग वाली जगह पे जा रहे हो कि आपने कोई लाइसेंस बनवाया जो आपको हेल्प कर रहा है जॉब एन करने में या फिर आप अपनी रेफरेंस लगा रहे हो किसी दोस्त से इसके अलावा काम मिलना ना कि आप इन पे जाके जॉब भरोगे दस बार और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी आप हायर हो जाओगे दैट्स अ रियली रेयर चांस ठीक है ना तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहे और इसी के बाद यार जो मेन चीज मेरे को लगती है कि स्टूडेंट्स को ना बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए वो होता है यार फाइनेंशियल प्लानिंग आई नो अगर आप ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो ठीक है तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ हैवी वर्ड ठीक है ना किसी को नहीं पता होता कि 18 उन्नीस साल की उम्र में कि पैसा बचाना है ये करना वो करना किसी को नहीं पता होता मेरे को खुद नहीं पता था मेरे को तो अभी भी सीख रहा हूँ अच्छे से नहीं पता तो यार मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हैं मेरे साथ ठीक है मैं उनके साथ सारा कुछ डिस्कस करता था ताकि मेरे ऊपर ना एक थोटा सा चेक रहे कि या ठीक है मैं जब ओवर स्पेंड करने लगू ना तो कोई मेरे को बोल सके कि नहीं तेरा ओवर स्पेंडिंग हो रहा है तेरा फिक्स खर्चों के अलावा जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो इतने हाई हो गए हैं कि वो आगे जाके तुम्हें दिक्कत देंगे और स्टूडेंट लाइफ में यार हमें ऐसा लगता है जीआईसी आ रही है ठीक है काम भी करने लगे हैं तो पैसा आ रहा है तो इसी चक्कर में ना मैंने ये जैकेट जो है मैंने सोच समझ के पहनी कि यार ये जैकेट ना मैं जब कैनेडा आया था तीन साल पहले ट्वेंटी में तब ली थी ठीक है तब ली भी कब थी जब मेरी काम लग गया था ठीक है ना करने लग गया था जी आई सी भी आगे मैं गया, यार कुछ अच्छी सी जैकेट लेते हैं तो गेस्ट के शोरूम में जाकर वो भी डिस्काउंट पे ली थी क्योंकि मेरे को अच्छी लगी और ये अभी भी चल रही है तो यहाँ पे आके अगर आप चीज़ें अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे ना तो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगी और सेंसिबली भी अगर आप चलोगे तो यार उसका आपको फायदा ही रहेगा ठीक है ना ये नहीं होता कि आपको ब्रांडेड ही सारी चीज़ें लेनी है ठीक है ना शो ऑफ करना है यार हर किसी का डिफरेंट होता है मैं फिर से बोल रहा हूँ ठीक है ना तो मेरी वीडियो को सुनकर आप ये ना समझना कि मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ या रोक रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना वो इन छोटी छोटी चीज़ों मायने रखते हुए ही वो बड़ी चीज बन जाती है कि क्योंकि कैनेडा में अगर आप आज की डेट में देखोगे ना तो डेट बहुत स्टूडेंट्स के ऊपर इमिग्रेंट्स के ऊपर यार बहुत लोग आप सुनोगे कहेंगे कि यार हमसे तो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल ही नहीं पे हो रहे ठीक है सैलरी आती है क्रेडिट कार्ड के बिल में चली जाती है अकाउंट तो खाली रहता, 20 -30 रहता है अकाउंट में बीस तीस डॉलर रहते हैं यार आप ये सोचो कि आपने अपने आप को वहां देखना है नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग आई नो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आज शुरू करी और कल आ जाएगी एक महीने में आ जाएगी वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर कर ही पता चलता है लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो आप लोगों के लिए एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी फाइनेंशियल प्लानिंग में इतना थोड़ा सा स्ट्रांग बनी है अगर आप नहीं है हर किसी को अपना पता होता है ठीक है ना तो अपने पेरेंट्स को साथ रखिए कि उनको अपना पूरा चेक दीजिए कि यार ये, ये मेरे फिक्स एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे मैं वेरिएबल करता हूँ ठीक है ना अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं इस महीने मैंने इतना करा ठीक है तो वो ताकि आपको बता सकें क्योंकि एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास है ना तो ओवरऑल आज की डेट पे अगर आप कनाडा आ रहे हो ना तो जैसे कि मैंने कहा मेंटली स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा अपनी स्टडी से रिलेटेड तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना ही पड़ेगा लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो उसके बाद आपको फाइनेंशियल जो प्लानिंग है फाइनेंशियली भी लिटरेट बनना ही पड़ेगा बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना यहाँ पे आप डेट में चले ही जाओगे किसी ना किसी दिन और किसी को अच्छा नहीं लगता है डेट में जाना ठीक है ना तो मेरी एक ही एडवाइस रहेगी अपनी प्लानिंग पूरी स्ट्रांग रखो अपनी रिसर्च टू हंड्रेड थाउजेंड परसेंट स्ट्रांग रखो कि यार आगे जाके कुछ भी हो जाए मेरे को कुछ नहीं होगा ठीक है ना और उसी के साथ साथ जो लिटरेसी प्लानिंग मैंने बोला उसे ध्यान बिल्कुल रखना बहुत सारी चीजें होती हैं ठीक है यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी कैसे आप बजट फ्रेंडली चीजें कर सकते हो प्लान बना सकते हो ठीक है सब कुछ करो मेरी मॉम ने मेरे डैड ने मेरे को वो चीज़ें सिखाई आई एम ग्रेटफुल फॉर तैम ठीक है और इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि यार सारे से करें ताकि अगर जो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस होते हैं ना लाइफ के मेरे साथ बहुत हुए हैं ठीक है तो वो जब आते हैं ना और आपके पास बैकअप में कुछ हो या फिर आपके आपको पता हो कि यार ठीक है आई कैन डील विद दूस थिंग्स तो आपकी जो पीस ऑफ माइंड है ना वो समय बहुत मैटर करती है और एज अ स्टूडेंट अगर एकदम से एक्सपेंसिव आ जाए तो यार अगर आपके पास बैकअप में ही सेविंग्स होंगी तो आपको ही बहुत ईजी रहेगा तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी यूज़फुल रही होगी यूजफुल रही होगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलती है इसी के साथ आप लोगों को मिलूंगा बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एट्स एडी साइनिंग ऑफ